What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, itne time ke baad mein Bhuvan Bam finally with a video. I think last wala kabhi aaya tha. Uska I think last one was taza khabar ke pehle. Taza khabar ke pehle, which feels very very long. But taza khabar was crazy, like itni badhiya series. And special thanks, I think uske baad mein apne video ne kiya, so special thanks to Bhuvan if he is watching this video, kyunki aap logo ko pata hai ki nahi, mere ko pata nahi, lekin agar aap hame insta pe follow karte ho to aapko pata rahega. My man Bhuvan invited us for premiere of taza khabar. Hum log gaye the and oh my it was amazing to just to meet him. Holy shit, itna badhiya aur itna down to earth banda hai na. व्लॉग, अरे व्लॉग जाके देखो, वी मेट भुवन में वाला व्लॉग देखो. यस, वी डिडंट रिएक्ट टू ताजा खबर और गिव लाइक अ प्रॉपर रिव्यू, बट लाइक आवर व्लॉग इज देयर. सो द नो, वी गेव अ रिव्यू. या वी गेव अ रिव्यू, बट नॉट लाइक अ डिटेल, लाइक एपिसोड डिटेल नहीं किया, क्योंकि यार अपना है ओवरऑल वी आर लाइक, मतलब अपने ढिंडोरा जैसा नहीं किया एवरी एपिसोड. सिंपल रीजन बीइंग कि यार अपुन ना, यार अपुन रियल है, अगर एक बार ही देखा तो वापस से ऊपर फेक रिएक्शन अपने को नहीं जमता. इट्स लाइक चीटिंग the people that watch us, which you do not do. Okay, ladies and gents, enough of that. I know aap log bahut bekar aa rahe hain Bhuvan Bam ko milne ke liye, main bhi bekar aa raha hoon. And so are we. Obviously, so let's do this. Love ka hakkar, it means, you know what? What does that mean? Sorry, my bad. Ye zara galat ho gaya. Ye wala barabar hai. Do you know what that means? Love ka hakkar. Love ka chakkar. It means Sameer Fuddi is in love. Mm-hmm. Okay, ladies and gents. अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके भुवन के चैनल पर देखिए, द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. लेट्स स्टार्ट. मेरी नींद उड़ गई है. मेरी नींद उड़ गई है. मेरा हैंड खो गया है. मुर्गा खो गया है. अबे चैन खो गया. और क्या हो रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो गया है. पेट में तितलियां उड़ रही हैं. तितलियां उड़ रही हैं. ब्रो, ही इज लुकिंग सो गुड विद द हेयर. नो, विद द हेयर. या कहां पे गया है वो शॉर्ट हेयर? क्या मतलब, क्या लुक लग रहा है, क्रेजी लग रहा है. फूलों की खुशबू आ रही है. एक सेकंड, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, पेड़ वेड़ का है. ये रहा, रफी टांग के झूल जा. रुक यार, तेरी नींद उड़ गई है, तेरा चैन खो गया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है. मतलब क्या प्यार लड़ गया है क्या? मैंने आज तक उसको टह नहीं किया. यही कंफ्यूजन उसके पास नहीं होता. वो मुझे फमकती है. चूतिया, मेरी बातों को फमकती है. ही ची, ची, क्या बात है, प्यार को खेल फमक के रखा है. मेरे को देश की गरीबी है क्या? अच्छा चल, उसका नाम तो बता. नाम में कुछ होने. उसका नाम नहीं ले सकता. क्यों? वोल्डे वोल्डे मैच बता. नफर लग जाएगी उसको. तेरी नजर पड़ गई उस पे, और क्या बुरा हुआ उसके साथ? यार तुम लोग समझ नहीं रहे, उसको देखते ही अपने होश खो देता हूँ. क्लोरोफॉर्म थूकती है क्या मैच? वो मुझे हर जगह दिखती है. उर्फी जावेद का भी ऐसा ही सीन है. अरे रुक ना यार, भाई हम लोग इसलिए हैरान है क्योंकि फ्रेंकली हमें तुझसे ही उम्मीद ही नहीं थी. क्यों? मुझे प्यार करने का हक नहीं है. इसके प्यार का मतलब फक नहीं है. मैं इसके रास्ता मार दूंगा. अच्छा, हम नहीं बोलूंगा. प्रॉमिस प्रॉमिस. गलत बात है. He has a soft corner for her. And a very hard center man. कतारी कोर्फ़ तोरी बहिन को. ए चुप करो यार. ओ अक्षता को नहीं समझा रह गए. गद्दारी कोर्फ़ एक basically एक meme viral हुआ था. I will show you. कोर्फ़ खत्म. कतारी कोर्फ़ तोरी बहिन को. ए चुप करो यार. तू नाम बता. फमीर फुद्दी. अबे अपना नहीं, उसका नाम बता. Who? लड़की का नाम. Who? अबे लड़की का नाम, तेरी बंदी. Oh my God, who? The girl you're talking about. What's her name? अंग्रेजी का चौदह. अबे मदरबोर्ड, उस लड़की का नाम है who? Oh, चू. ये who नहीं, normal who, who? अच्छा who? Oh. H U. दो लेटर का नाम है.
H-U. अभी कोई ट्विस्ट आने वाला है. गाड़ी में रखा कुत्ता बना दिया है, इतनी मुंडी हिलवा रहा है. और निकनेम क्या है? अच्छा, ब्रश करने से पहले गलती से नाम मत लीजिए उसका. अच्छा वो सब छोड़, करती क्या हो रहा है? ओए तमीज से बात कर ले, लड़की के बारे में ऐसे बात कर रहा है? अबे मेरे दिल की हो रहा है चोर. वैसे वो पहले ट्रैवल एजेंसी में थी, वो मेरा जापान का वीजा लगा देगी. तूने वो खबर नहीं पड़ी? कौन सी? जापान में भड़वे अलाउड नहीं है. बताना कहाँ मिली? मिलना क्या है, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है. तूने तो बोला था ऊपर वाले अंकल ब्लाउज बनाते हैं. अबे बैल बुद्धि, वो दर्जी है, उसकी बात नहीं कर. क्यों बीच में घुस रहा है? सबसे ज्यादा केक और चूतिया कटवाने का एक्सपीरियंस मेरा है बेंचो. मैं तेरे को बता रहा हूँ, नया नया प्यार है, कुत्ता बीमार है. लड़की को बताने की हिम्मत होनी नहीं इसकी बेंचो. रोज रात को मेरे घर पे पड़ा रहता है. कल रात को नींद में गालियां मकरा था मुझे. तुझे गलत फहमी है. कैसी गलत फहमी? कि मैं नींद में था. वैसे उससे बतियाता रहता है, हर 10 मिनट में घर पे कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे. मेरे पैसे दे. भाई दोस्ती में पैसे कौन गिनता है यार, उसका घर बस रहा है. तो बसाई ना बैंचो, पर सरिया मेरे पिछवाड़े में से ना निकाले. ला फंड्स दे. उफ़े मिलता जुलता फब्द है, लेगा? साला अपने ही घर में कोली और गंभीर है. उस दिन मैं डेट में था, तो बंदी ने बोला बेबी घर चलो वाइन पीते हैं. मैं समझ गया कि आज थोड़ा चीरी होने वाला है, तो मैंने इसको टेक्स्ट किया कि भाई 10 मिनट में फटाफट मेरे शहजादे के लिए शेरवानी लेके आ जा. तो कह रहा नुन्नू लैमिनेट करवा ले. मैं 10 मिनट में शेरवानी देने आऊं? क्या हूं मैं, ब्लिंकिट? अच्छा यार छोड़ नहीं है सब, तू बता ना लड़की मिली कहां? मार्केट में अंडे दे रही थी. भोफड़ी वाला दुकानदार को अंडे वापस दे रही थी. उसने गलती से फाक की जगह 9 अंडे दे दिए थे, तो वो लौटा रही थी. छान मुर्गी आए, पता है उसके घर का खराब हो गया था और कोई प्लम्बर भी नहीं था तो मैंने ठीक किया. उसके बेडरूम का बल्ब फूक गया था और कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं था तो मैंने ठीक किया. उसकी डाइनिंग टेबल की लकड़ी खराब हो गई थी और कोई कारपेंटर भी नहीं था तो तूने ठीक किया. तुझे कैसा पता? चुतिया गया है प्यार में यार. ऐसा लगता है ऊपर वाले ने खुद उसको अपने हाथों से बनाया है. हाँ हमारा तो प्रिंट आउट निकला था बैच ने. उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया? गाना गाया ना. It's been a long day without you my who. मैंने उसके लिए एक शायरी भी लिखी है, सुनाओ. हाँ मतलब वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता. वाह 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 वाह. वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी है, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता. तू मेरे साथ नॉर्थ कोरिया में रहे, कोई वहां तक आ ही नहीं सकता. तेरे हाथ और तेरे मुंह, बोलो बोलो, तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा. तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा अपना दिल, क्योंकि तेरे बिना ये जीवन जिया जा ही नहीं सकता. सही है ना? क्या कहता है? थोड़ा अलग है, मतलब डिफरेंट है. छोड़, उसने क्या बोला? अभी उसको सुनाया कहां? आज जब होटल जाएंगे तब सुनाऊंगा. क्या बात कर रहा है, होटल? कितना टाइम हो गया? 3:30. अबे तुम दोनों को आपस में कितना टाइम हो गया? ओ 8 दिन. 8 दिन में सीधा होटल? प्यार में अगर हो जाए अति तो फिर क्यों देखें गति. वाह वाह वाह. अरे नहीं अंकल, हम तो नेपाल में. आप कहाँ? मैं दिल्ली में. अरे क्या दिल्ली में, वो भी दिल्ली में, तू क्यों मजे ले रहा है? पापा समीर को वो हो गया इस उम्र में. अंकल यही तो उम्र है, मेरे चाचा जी को तो 65 साल में जाके हुआ था. 65? हाँ, डॉक्टर को दिखा दे जल्दी. डॉक्टर? क्यों? अरे बवासीर का इलाज डॉक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? कारपेंटर. बवासीर? क्या? बुढ़ापे में घुटने और चूतड़ दोनों बोलने लगते हैं बेटा. पापा उसको प्यार हुआ है. हाँ. ओह वाओ, रैली, आई कांट बिलीव. ओह वाओ, मुबारक हो बेटा. एक आदमी को और क्या चाहिए जिंदगी में? के दिल की बंजर जमीन पर एक फूल खिल जाए. आय हाय हाय हाय, वाह 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 वाह. और 2 टाइम हिलाने की जगह मिल जाए. पापा आपको कुछ काम था क्या? अरे हाँ, कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहने आई हैं. बहुत भली है बेचारी, तो उनको इधर की चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उनके लिए एक गैस सिलेंडर बुक कर दे फटाफट. समीर बेटा, तू ये आंटी जी को उस दिन मार्केट से घर छोड़ाया था? हाँ अंकल. अंडे रखवा दिए थे फ्रिज में अच्छे से? हाँ जी. वो नल का टेबल और बल्ब ठीक करवा दिया था? हाँ जी. अंकल ये आंटी जी की उम्र क्या होगी? ऐसे औरतों की उम्र नहीं पूछते.
खैर मैंने पूछी तो उन्होंने 56 बताई। अभी अभी रिटायर हुई है ट्रैवल एजेंसी से। अब सोच रहा हूँ सारी तत्काल की ट्रेन की टिकटें उन्हीं से करवाऊंगा। उनका नाम क्या था? उनका नाम नाम क्या था? हेलो, हाँ हूँ। बंदर हो क्या? पर आज तो हम होटल जाने वाले थे ना तुम्हारे मैनिक्योर के लिए। चीनी वाली मम्मी बैंड शुगर मॉमी। हाँ बाबा, मैंने वो घुटने का तेल बेड के बगल में रख दिया है। हाँ जी, दांत वो बेफिन के ऊपर देखो। हाँ मैंने फाफ करके रख दी ऑलरेडी। ओके अभी ओ तू पागल है क्या? 56 साल की लड़की लड़की भी क्या, आंटी है वो। तू 56 साल की आंटी के साथ प्यार में? तो क्या वन वे ट्रैफिक है और तूने गैप देखा है? बोला तो आज होटल में मिल रहे हैं। अबे एज गैप, मुझे लगा ही था 30 साल का गैप है बैंचो। ऐसा क्या पसंद आ गया उनमें? उनकी क्या वुल्फे हैं भाई, वो मिल्फे हैं। तू उनके साथ काम कर रहा है इसलिए वो तुझसे प्यार से बात कर रही है। उनको तो पता ही नहीं है कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अभी उनके घर आटा देने जाना है, तू उनसे आशीर्वाद ले और निकल। आशीर्वाद नहीं, वो दिनेश का आटा खाती है। दिनेश कौन है ये? तू कब बसने यार, तू ये सब रहने दे भाई, अपने उम्र की कोई आंटी लड़की ढूंढ। पर मैं उसका मितवा हूँ। तू उसका बिटवा है? जी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ जी हाँ जी बेटा, ये हु आंटी जी का कॉल है, इनके लिए फटाफट एक रोमांटिक डिनर बुक कर दे। इनके पति आ रहे हैं लंदन से। पति? डन पापा, डन 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 डन। साले तेरे को पता नहीं था आंटी मैरिड है? नहीं, वो हमेशा कहती थी कि मर्द झाटू होते हैं, तो इसको लगा आंटी जी सिंगल है और अगर मैं दूसरे मर्दों की तरह बिहेव नहीं करूंगा तो आंटी जी सिंगल से मिंगल हो जाएगी। हाँ यही था, हाँ यही था। औरत का संसार उजाड़ने वाला था तू। अच्छा बेटा, 3 लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी बेटी भी आ रही है। अरे बेटी, 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 बेटी। अरे वाह बेटा, 4 लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी दोनों बेटी आ रही है। पूरा फैमिली डिनर बुक कर दे बेटा, दोनों बेटियों के बच्चे भी आ रहे हैं। डन पापा, ऑलरेडी बुक्ड। जिसको समझ रहे थे कोयल वो तोते निकले, ना जाने क्यों दिल लगाया उससे जिसके 2 पोते निकले। यो, ओह माय गॉड, आफ्टर सो लॉन्ग, लेकिन आई थिंक इट वाज वर्थ द वेट। या इट वाज वर्थ द वेट। यार ये क्या बढ़िया था, एंड इट फेल्ट लाइक अ वेरी फ्रेश एनर्जी। मैं एक्चुअली एनर्जी बोलूंगा क्योंकि मतलब यूजुअल जो रहता है लाइक द जोक्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज लाइक वेरी न्यू। लाइक आई थिंक द मेन रीजन इज बिकॉज़ ये टाइम उल्टा था। यूजुअली लाइक जो थग लाइफ वाले सीन रहते, लाइक जो जोक्स मारते रहते, दैट इज समीर, यू नो, एंड दिस टाइम समीर के ऊपर जोक्स हो रहे थे। सो दैट इज व्हाई आई थिंक, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि समीर कैरेक्टर हु इज यू नो ऑलवेज लाइक यू नो फक बॉय काइंड ऑफ, वो अभी प्यार में पड़ गया है, सो आई डोंट नो हाउ दिस स्टोरी विल गो। But I think... But Samir being Samir... Bro, this had to happen. This was a very, very nicely done episode. Yeah. Maza hi aa gaya. Script to badhiya thi. And usme itne sare meme references the. I'm sure Akshada missed a couple. Kyunki Akshada utne memes dekhti nahi hai. Nahi dekhti hu. But a lot of meme references. But this is what we love about Bhuvan. Like, you know, he keeps his... essence the same, but like you can see like the whole jokes and the script and everything is like very fresh. Yeah, and but I think you still have that old Bhuvan wali feel. Yeah, नहीं मैं वही बोल रहा था कि it was like old wala ही, but it had I don't know क्या है, मैं explain नहीं कर पा रहा हूँ, but बहुत ही fresh newness. और नई vibe थी video में. I don't know why it like felt very refreshing to watch. Yeah, और एक और चीज क्या, I think काफी टाइम के और में ही रिकॉर्डेड इन हिज ओल्ड होम। या सो आई थिंक दिस विल बी इट, क्रेजी एपिसोड बाय भुवन। एंड ऑब्वियसली आई नो दैट भुवन यू नो डूइंग बिग स्टफ, ही इज डूइंग बिग 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 थिंग्स एंड लाइक स्टिल यू नो लाइक गिविंग अस वीडियोस लाइक दिस। नहीं मैं एक्चुअली उल्टा बोलने वाला हूं, मैं उल्टा बोल रहा हूं कि यू नो अगर थोड़ा और भी ज्यादा पोस्ट करे तो आई एम श्योर लाइक पीपल enjoy that, but like that's what I'm saying, like in spite of doing like so many bigger things, he is like still giving us videos on his channel. Understand that ki wo baki sab cheezon mein busy hai, but like ek agar video aa jata na Bhuvan Bam ka, it is it's like itna badhiya rehta na dekhne ka, and ek aisa jaisa bhi aaj release hua video, right, so pura din excitement rehti hai
कह रहे चलो अभी शाम को बैठ के भुवन का वीडियो देखेंगे, वो एक बढ़िया रहता है. And that's what it is, कि हम लोग ने आज ही वीडियो आया है और हम लोग आज ही देखने बैठ गए, which like usually doesn't happen. Yeah, you guys will be watching it a little later on, क्योंकि as आपको पता है या नहीं पता, I don't know, but H2 Life we never post video immediately. बहुत सारे reaction channel है, video आ गया एक आध घंटे में उनके channel पर video आता है, but your boy and your girl don't do that. हम लोग एक दो दिन तो रुकते ही है, और इसमें maybe it will be a much longer. मे बी 3 दिन हो गए रहेंगे ये वीडियो आने तक, क्योंकि और भी वीडियो हम लोग ने रिकॉर्ड किए हैं, सो दैट विल बी देयर. एनीवेज आई एम श्योर जब भी आएगा यू गाइज विल एंजॉय, क्योंकि हम लोग ने भी एंजॉय किया और मजा ही आ जाएगा. सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे. वी होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो. इफ इट डिड, बी श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.